जिंदगी में काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि नाम सुनते ही काम हो जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंपी रॉय के बारे में। दोस्तों जो एक सोशल मीडिया स्टार, इन्फ्लुएंसर और वीगो क्वीन है, और साथ ही जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ खास बातों को जो आप शायद नहीं जानते होंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों मंपी का पूरा नेम मंपी रॉय है और इनका निकनेम पिंकी है। सोशल मीडिया पर अपनी क्यूट सी स्माइल और एक्टिंग से बहुत ज्यादा फेमस है। इनका जन्म 1 जुलाई 1996 वेस्ट बंगाल में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स के अलावा इनकी एक छोटी बहन है। दोस्तों मंपी के फादर एक फलों की दुकान चलाते हैं। मंपी अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। दोस्तों इन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई कोलकाता के प्राइवेट स्कूल से ही पूरी की है, और इनका बचपन से ही डांसिंग का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए मंपी अपने स्कूल में होने वाले सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट जरूर करती थी। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कोलकाता से ही पूरी की है। दोस्तों अब बात करते हैं मंपी के कैरियर के बारे में। दोस्तों मंपी अपना कैरियर एक्टिंग और डांसिंग में ही बनाना चाहती थी, पर शादी से पहले उनका ये ड्रीम पूरा ना हो सका। दोस्तों इसके बाद इनकी लाइफ में राहुल यादव आए। इन दोनों की शादी 2016 में हुई। इन दोनों की शादी लव मैरिज से ही हुई है। दोस्तों मंपी राहुल को कॉलेज के दिनों से ही जानती थी और राहुल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों उनके बाद राहुल ने मंपी के सपनों को एक नई उड़ान भी दी है। राहुल की फैमिली मंपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। दोस्तों मंपी ने वीडियो बनाने की शुरुआत 2018 से की थी। दोस्तों मंपी शुरू में वीगो वीडियो ऐप पर अपनी वीडियो अपलोड करती थी। स्टार्टिंग में तो इनकी वीडियो पर कुछ अच्छे व्यू नहीं आते थे, लेकिन मंपी ने हार नहीं मानी, लगातार वीडियो अपलोड करती रही, और कुछ दिनों के बाद ही उनकी वीडियो पर लाखों व्यू आने लगे। मंपी वीगो ऐप की एक बहुत बड़ी क्रिएटर थी, इनके वीगो ऐप पर क्वीन के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों कुछ दिनों के बाद इन्होंने टिकटॉक पर वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया। दोस्तों टिकटॉक पर इनका पहला वीडियो ये था। दोस्तों टिकटॉक बैन होने से पहले मंपी के 6 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स थे, साथ ही उनको पॉपुलर इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर का भी अवार्ड भी मिल गया था। दोस्तों टिकटॉक बैन होने के बाद उन्होंने स्नेक वीडियो पर काम करना शुरू कर दिया था, और स्नेक वीडियो ऐप पर भी उनका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होते थे। दोस्तों स्नेक वीडियो पर उनकी वीडियो आते ही ट्रेंडिंग पर आ जाती थी। दोस्तों इस ऐप पर इन्होंने सबसे जल्दी 6 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों टिकटॉक बैन होने के बाद इंस्टाग्राम ने इसका फ़ायदा उठाया और अपना रील्स वर्जन लॉन्च कर दिया। दोस्तों इसके बाद मंपी ने भी अपना एक इंस्टाग्राम पर आईडी बनाया और रील्स वीडियो अपलोड करने लगी। इनके इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोवर भी कंप्लीट होने वाले हैं। दोस्तों और साथ ही इनका एक यूट्यूब चैनल है, इनके इस यूट्यूब चैनल पर 1.5 मिलियन सब्सक्राइब होने वाले हैं। दोस्तों ये अपने यूट्यूब चैनल पर डेली व्लॉग्स वीडियो अपलोड करती है। दोस्तों अब बात करते हैं इनके हॉबीज के बारे में। इनका फेवरेट फूड है पिज्जा और चॉकलेट, और इनको माजा या स्लाइस की कोल्ड ड्रिंक भी बहुत ज्यादा पसंद है। और एक्टिंग करने का भी बहुत ज्यादा शौक है। दोस्तों अब बात करते हैं मंपी यादव की जुड़ी कुछ खास बातें जो आप शायद नहीं जानते होंगे। दोस्तों मंपी एक बहुत बड़ी पेट लवर है, और इनको छोटे छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा पसंद है। दोस्तों इनके दोनों हाथों पर टैटू है, और मंपी को बंगाली लैंग्वेज बहुत ज्यादा बोलनी आती है और हिंदी बहुत कम आती है, क्योंकि हमको अच्छे से हिंदी नहीं आता, हम बंगाली है, हिंदी बोलने का कोशिश करते हैं। इनका एक छोटा बेटा भी है जो आप शायद देखते होंगे इनकी वीडियो में। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपकी फेवरेट स्टार कौन सी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। एटीट्यूड दिखाना बच्चों का काम है, हम लोगों को सीधा उनकी औकात दिखाते हैं। तेरा बाप।